हाय एवरीवन, मैं हूं स्वप्ना सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवा पर। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करूंगी, तो मेरा आज का विषय है मंदिरावेदी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में मंदिरावेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया, और पहले तो लोगों ने मंदिरावेदी की बहुत तारीफ की, वो बहुत ही बोल्ड महिला हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो महिला जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। कुछ समय बाद ही आपने ये देखा होगा समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स में, आपने देखा होगा कि मंदिरावेदी के कपड़ों को लेकर या उनके द्वारा उनके पति के मुखाग्नि देने की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी आलोचनाएं की गई, और सिर्फ आलोचनाएं नहीं की गई वरन यह एक चर्चा का विषय बन गया कि उनके कपड़े कैसे होने चाहिए। उन्होंने एक जीन्स और टॉप पहना और अपने पति के अंतिम संस्कारों में भाग लिया उन्होंने ऐसे कपड़ों में, उन्हें साड़ी या सलवार कुर्ता पहनना चाहिए था, तो ये एक चर्चा का विषय बन गया। मैंने कई जगह ये देखा तो मेरा मन हुआ कि क्यों नहीं मैं भी इस विषय पर कुछ बोलूँ, कुछ अपने विचार व्यक्त करूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है, एक विषय है जो स्त्रियों के कपड़े को लेकर कटाक्ष करना और उन्हें ये बताना कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये आमतौर पर हमारे समाज में होता रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंदिरा बेदी जो हस्ती है, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है, सीरियल शांति नाम से दूरदर्शन पे आया था और मेरे ख्याल से वो पहला दूरदर्शन का डेली सोप था और बहुत सराहा गया। उनका बोल्ड किरदार था उसमें, और उसमें वो करली बालों वाली एक बोल्ड लड़की का रोल उन्होंने किया था। और उसके बाद हमें उनकी बारे में पता चला कि उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने एंकरिंग की थी, वो फर्स्ट फीमेल एंकर थी, और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया होगा। फिर उनकी शादी राज कौशल से हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे या और भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मंदिरा बेदी की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी शादी किस से हुई, वो कैसी लाइफ जी रही हैं। लेकिन जैसे ही किसी की लाइफ में कोई घटना होती है वो सुर्खियों में आ जाता है और लोग उसके पिक्चर्स को देख के, वीडियो को देख के उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसी थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से छोटी छोटी बातों में अपनी राय बनानी बंद कर देनी चाहिए थी, कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके लिए कुछ कर नहीं सकते उस पर नेगेटिव कमेंट करना भी सही नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि उस ऊँचाई पर पहुँच के उनकी सोच जो है ना इन कपड़ों से ऊपर उठ चुकी है। एक तो वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, उसके अलावा आपने अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक बहुत ही बोल्ड फीमेल के रोल में रही हमेशा, तो सोचने वाली बात है ना कि वो जींस और पैंट में जिस तरह से मेल इजी फील करते हैं वैसे वो इजी फील कर रही थी। और उस ऐसे इवेंट में जब किसी की लाइफ में इतनी बड़ी घटना हो गई हो उसके हस्बैंड के साथ, और तो वो क्या वो सोचेगा कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लोग क्या कहेंगे। इस कोरोना त्रासदी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे घरों में जहां पे लड़के नहीं थे, मेल मेंबर नहीं थे, और लड़कियों ने ही मुखाग्नि दी और उन्होंने सारे अंतिम संस्कार में भाग लिया, तो वहां पे इस तरह के प्रश्न किसी ने नहीं उठाए कि लड़की क्यों कह रही है और उनकी फैमिली में रिलेशन में कोई लड़का नहीं है, वो क्यों नहीं करता। तो फिर मंदिरावेदी के केस में ये प्रश्न उठाना मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं लगता। तो मैं इस बात के माध्यम से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए, और अभी समय है, ज़रूरत है कि हम मंदिरावेदी के साथ खड़े हों, उनके दुख में उनको संबल दें और सद्भावना व्यक्त करें, ना कि हम उनकी खिंचाई करें, ट्रोलिंग करें। तो मंदिरावेदी हो या कोई भी और हस्ती हो, और ऐसे मुश्किल घड़ी में हमें उनको साथ देना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए। और इस विषय पर बात करना मुझे इसलिए भी उचित लगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम सबके लाइफ से जुड़ा हुआ है और ऐसी घटनाओं से हमें दो चार होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आपको ये कहा जाता है कि आपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ पर ड्रेस कोड है पर्टिकुलर, वहाँ तो आपको ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, बट अदरवाइज़ आपकी अपनी सहूलियत और चॉइसेस हैं। और मुझे लगता है कि कोई कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है, किसी तरह का इस तरह का वो रूल नहीं है कि आप क्या कपड़े कहाँ पहने, तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी किसी के कपड़े पे कमेंट नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत चीज़ है, तो मैं इस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ। खैर, आज का विषय यही था, कपड़े को लेकर था, और इसमें कि चूँकि मंदिरा बेदी जी की इस समय चर्चा हो रही थी कपड़े को लेकर, तो मैंने उनका उदाहरण दिया।
और मैं नहीं चाहती हूँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे मेरी बातों से, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।